सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाइफा स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो होगा हमारा एक चैप्टर पूरा, हम उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने एक बार पूरी मैथ को डिस्कस किया, उसके बाद हमने मिक्स क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हमने डिस्कस किया। अब हमारी वो घड़ी आ चुकी है कि हम चीज़ों को अपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें, है ना। तो जिसमें से आज सबसे पहला चैप्टर है हमारा अनुपात और समानुपात। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी टाइप के प्रश्नों को हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हो, जिसमें आपको डाउट है, तो वो आप नोट कर लेना और उसको आप फिर से प्रैक्टिस करना। अगर दोस्तों जब से आप ये करने लगे, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपको आएगा। क्लियर हो गई ना इतनी बात। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि टाइम आपका थोड़ा सा कम लगे और मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। तो इधर क्वेश्चन 4 लिखे हैं और इधर पहला क्वेश्चन लिखा है। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है वो समझना, फिर क्वेश्चन का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्याएं का मतलब पॉजिटिव नंबर। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इसमें पहली और दूसरी का अनुपात दिया गया है 3:4, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया गया 5:6। फिर क्वेश्चन में दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट दे दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर 4320 है। तो आपसे पूछा है कि तीनों का योग क्या होगा, बस इतनी बात पूछे हैं। देखो, इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आप इतनी बात समझो, संख्याएं कितनी हैं आपके पास, तो शुरुआत में ही कहा गया कि 3 पॉजिटिव नंबर हैं, 3 धनात्मक संख्याएं हैं। अगर मैं बात करूं कि 3 धनात्मक संख्याएं, एक तो ए रही होगी, एक बी रही होगी और एक सी रही होगी, ये 3 धनात्मक संख्याएं रही होंगी। उसमें मेरे दोस्त आपको पहली और दूसरी का अनुपात दिया है 3:4। जरा मेरे दोस्त एक बात बताओ, पहली दूसरी मैंने ए अनुपात बी मान लिया, हम माने कि इसका अनुपात कितना दिए हैं 2। भाई ये हमारी संख्या कितनी है, 2 है, ये संख्या है 2, और दूसरी कितनी संख्या है वो, सॉरी, पहली संख्या हमारी कितनी है 3 है, ये देखो 3:4 दिया ना, और दूसरी कितना है 4, तो पहली और दूसरी का अनुपात हो गया 3:4। अब क्वेश्चन में दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया गया कितना, 5:6, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:6। इस बात को याद रखना, दूसरी के नीचे दूसरी लिखोगे और तीसरी के नीचे तीसरी लिखोगे, तो दूसरी संख्या हमारी 4 थी ना भाई, 4, तो दूसरी संख्या 4 थी तो हम इसके नीचे लिखेंगे, ये 5 हमने इसके नीचे लिख दिया, और तीसरी संख्या है 6 तो हमने 6 इसके नीचे लिख दिया। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात, भाई तीनों संख्या माना ए बी और सी, पहली दूसरी का अनुपात 3:4 हमने रख दिया, फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात माना 5:6 दिया गया था, तो ये हमारा हो गया। अब आपको पता है कि जब क्वेश्चन ऐसा बन जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये 4 यहाँ पर चला जाएगा और ये 5 यहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ से हमारी तीनों संख्याओं का एक कंबाइंड रेशियो निकल कर आ जाता है। अब मेरे दोस्त बात करते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और उसके बाद ये 5 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और उसके बाद बात करते हैं ये 6 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई है आपकी कि नहीं आई है, इतनी बात समझ में आई। हम तीनों का अनुपात निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन को जरा अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। दूसरी तीसरी का गुणनफल दिया गया, मेरे दोस्त एक बात याद रखना, जब भी कभी गुणनफल की बात करेगा तो इन सब में आपको एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात है, ये संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर अनुपात में एक्स लगाएंगे, ये 15x, ये 20x और ये 24x हो गया, यानी 24x और कितना भाई, 20x, सेकेंड और थर्ड का कितना मल्टीप्लाई दिया है, 4320।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20x इंटू के 24x बराबर के 4320। तो हम लिख सकते हैं 4320 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 20x इंटू 24, 24 दुना कितना हो जाएगा 48, ये हो गया 480 और x मिलकर कितना हो गया, x स्क्वायर बन गया। क्या इतनी बात आप समझ पाए हो भैया कि नहीं? भाई देखो, इसका मल्टीप्लाई अगर इस तरह नहीं लिखना, आपको थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया है, इसके बराबर होगा भाई, क्योंकि बराबर दिया गया ना, तो हमारा ये 24 दुना 48, ये 480x स्क्वायर बराबर होगा इसके 4320 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी पूछा है वो बता देंगे, 0 से 0 हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 4 8 32 और 8 4 32, ये कितनी बार जाएगा देखो जरा, x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 432 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, आप एक बार काट लीजिए 2 से, तो 2 दुनी हो गया 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 2 दुनी 4, 2 4 8, 12 से आप काट के देखो क्या आपका कटेगा, 12 1 कम 12, उसके बाद कितना 9, 12 से कट जाएगा भाई, 12 दुन्ना 24 हो गया, 12 1 कम 12, 12 8 96 और 2 9 18 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9 आ गई। तो क्या मैं एक्स की वैल्यू 3 कह सकता हूँ भाई, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 9 3 में बन जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू अब 3 आ गई। क्वेश्चन पूछा है तीनों का योग, तीनों संख्याओं का योग, भाई संख्याओं का अनुपात कितना था, ये अनुपात आया था ना संख्याओं का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 5 4 9, यानी ये हम लिख सकते हैं 9, उसके बाद 2 2 4 1 5, 59x हो गया, तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 59x हो गया। आपको x की वैल्यू रखनी है बस, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, 59 × 3, तो 9 3 27 के साथ 2 आ गया, 5 3 15, 15 2 17, 177 आपका सही जवाब है। 177 क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 177 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जो साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा पढ़ाइए कि जो सुपर टेट यूपी टेट के लिए भी प्रॉफिट दे, सारा कुछ ये प्रॉफिट देगा भाई साहब, याद रखना। बस आपको वहाँ पर इस प्रोसेस से नहीं लगाना पड़ेगा, टाइम बचाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप अगर कंसेप्ट सीख रहे हो ना और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन्हीं चीज़ों को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आंसर कितना आया, 177। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, इसको फटाक से एक बार नोट कर लीजिए। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्या कह रहा है और उसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इजी है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी हर वो एक टाइप आपकी समझ में आना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन मेरे दोस्त कि जस्ता और तांबा के 400 ग्राम मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, ऐसी धातु जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो चूंकि जस्ता और तांबा को मिला के एक मिश्र धातु बनाई गई, और टोटल मिश्र धातु कितनी है, तो 400 ग्राम है, 400 ग्राम टोटल मिश्र धातु है। अब उसमें कहा गया कि तांबा और जस्ता का अनुपात आपको 5:3 बनाना है, 5:3 है, 5:4 बनाना है, उसमें कितना तांबा मिलाना होगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पर डिब्बे में बंद कर रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाओ कि एक्चुअल में हमें मिलाना क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, हमें टोटल क्वांटिटी कितना दिया गया है, टोटल 400 ग्राम मिश्र धातु दिया गया है। तो हम एक बार लिख लेते हैं कि हमें टोटल कितना दिया गया है, 400 ग्राम दिया गया, जिसमें आपको जस्ता और तांबा का अनुपात दिया गया। तो भाई जे से हमने जस्ता लिख दिया और टी से हमने तांबा लिख दिया, जे से जस्ता टी से तांबा, कितना इसका अनुपात दिया गया, 5:3, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3।
अब इस बात को थोड़ा सा समझना है आपको। अगर मैं कहूं कि जो 400 ग्राम की मिश्र धातु में 5:3 के अनुपात में जस्ता और तांबा है, अगर मैं कहूं मेरे दोस्त टोटल कितना है, अनुपात में टोटल योग कितना है, तो आप कहोगे सर 5+3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये भी टोटल आपका मिश्रण हुआ और ये भी टोटल मिश्रण हुआ, तो 8 आपका 400 के बराबर होगा। बिल्कुल क्लियर बात होगा। तो एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 8×5=40, एक 50 के बराबर, एक 50 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा, 5×5=25, ये हो जाएगा 250 के बराबर, और 5×3=15, ये हो जाएगा 150 के बराबर। अब आपका ये टोटल आ गया कि जो 400 ग्राम का मिश्र धातु था उसमें आपका 250 ग्राम जस्ता था और 150 ग्राम क्या था, आपका तांबा था। अब यहाँ से आप देखो, ये 250 तो 150 को सॉल्व करोगे तो आपका 5:3 ही आएगा, 50 से डिवाइड कर दोगे 5:3 आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आगे पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि अब अनुपात आपको 5:4 बनाना है तो कितना तांबा मिलाना होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं लगभग 7 या 8 प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप देखो ये किसका है, जस्ता बटे तांबा, क्योंकि अनुपात को हम बटे भी तो कह सकते हैं। जस्ता है आपका 250, 250, तांबा है आपका 150, 150, क्या मिलाना जाना चाहिए भैया, तो तांबा। तांबा मिलाएंगे तो जस्ता में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जस्ता पहले जितना था उतना अब भी रहा होगा, तो हम तांबा मिलाएंगे, मतलब हम एक्स तांबा मिला रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाए, 5:4 के बराबर हो जाए, 5:4 के बराबर हो गया। अब सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 250 × 4 कितना होता है, 4×8 5×20 ये 1000 हो गया। ये भैया 1000 बराबर के ये 150, तो 5×0 हो गया, 5×25 के 5, 5×1 2 750, प्लस में क्या हो गया, 5 100 हो गया। 750 ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 250 बचेगा और इधर आपका 5 X बच जाएगा। भाई 750 घट जाएगा इसमें से, 250 बचेगा। X की वैल्यू निकालेंगे तो 5×25, X की वैल्यू 50 आ गई, और ये X आया क्या, ये हमने तांबा जो मिलाया वही ना आया है, और वही क्वेश्चन ने पूछे कितना तांबा मिलाना जाना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, 50 ग्राम। आप लिख सकते हो कि 50 ग्राम तांबा मिलाया जाना चाहिए, यही आपका राइट आंसर है। ग्राम में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी भी किस में है, ग्राम में भी है, आप केजी लीटर में नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर यूनिट लिखोगे वो ग्राम में लिखोगे, तो आंसर कितना आएगा, 50 ग्राम, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, एक बार नोट कर लो, फिर तीसरे पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लो, फिर तीसरे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा उसको भी हम समझेंगे। क्लियर हो गई बात ना। देखिए इन क्वेश्चनों को एक लाइन में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि एक लाइन में नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज क्या है कि आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाना। भाई अगर शॉर्ट मेथड से लगाओगे तो शॉर्ट में नंबर ही मिलेंगे, बाद में आप कहोगे कि सर हमने तो आंसर सही दिया फिर नंबर गलत हो गए। तो इसका मेन रीज़न है कि आपको पूरे पूरते हैं जो भी मेथड लगाना है, XYZ अल्फा बीटा जो भी मानोगे सब मान कर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 शर्ट और 3 जीन्स की लागत मूल्य 2200 तथा 2 जीन्स और 4 शर्ट की लागत मूल्य 2400 है, जीन्स और शर्ट की लागत मूल्य के बीच अनुपात बताना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर युगपत समीकरण भी लगेगा, यहाँ पर रेशियो भी लगेगा। युगपत समीकरण इसलिए लगेगा क्योंकि हम दो चीज़ों को दो बार खरीद रहे हैं, एक बार हम 2 जीन्स को और 3 शर्ट को खरीद रहे हैं, देन दूसरी बार हम 2 जीन्स और 4 शर्ट को खरीद रहे हैं। खरीदने का मतलब क्या हुआ, ये जो टोटल 2200 रुपये दिए ना, इसका मतलब पता क्या कि 2200 रुपये अगर हम ले जाएंगे तो हमें 2 शर्ट मिलेंगे और हमें 3 जीन्स मिलेंगी, कितने रुपए में, 2200 रुपये में। ये कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। फिर अगर मुझे 2 जीन्स और 4 शर्ट लेना है तो हम कितने रुपए ले जाएंगे, 2400 रुपये ले जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 1 जीन्स और 1 शर्ट का लागत मूल्य, और उसी का हमसे अनुपात पूछा है कि जीन्स और शर्ट के लागत मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा। आओ भाई देखो,
तो हम अगर बात कर लें, हमने कहा दो सल्ट, भाई हम सल्ट के स्थान पर एस लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दो सल्ट और प्लस कितनी जीन्स हैं, तीन जीन्स, जीन्स मतलब जे। इसकी टोटल कीमत कितनी है, 2200 रुपये है, 2200 रुपये है। इसको हम मान लिया समीकरण नंबर एक। बात को समझे, दो शर्ट प्लस तीन जीन्स की लागत मूल्य 2200 है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात क्लियर। दूसरे पर पहुंचते हैं, दो जीन्स और चार शर्ट। अब हमारे पास है दो जीन्स और चार शर्ट, तो हम शर्ट के स्थान पर शर्ट रख लें, जीन्स के स्थान पर जीन्स रख लेते हैं। तो शर्ट हमारे पास कितनी है, चार, और जीन्स कितनी है, दो। तो हमने कहा दो शर्ट, चार शर्ट और दो जीन्स की कीमत कितनी दी गई, 2400 रुपये दी गई, 2400 रुपये, समीकरण नंबर दो। और ऐसा समीकरण मैंने सॉल्व करना बताया, चाहे तो युगपत विधि, युगपत समीकरण है ना, तो चाहे तो विलोपन लगा दो, चाहे तो प्रतिस्थापन लगा दो। मैं यहाँ पर विलोपन विधि लगाऊंगा। विलोपन विधि तभी लगेगी जब किसी एक चर के गुणांक बराबर होंगे। यहाँ पर जीन्स है दो, यहाँ पर जीन्स है चार, यहाँ पर शर्ट है दो, यहाँ पर शर्ट है चार, यहाँ पर जीन्स हैं तीन और यहाँ पर जीन्स हैं दो, किसी एक के बराबर कर लो बस। तो अगर मैं मेरे दोस्त यहाँ समीकरण एक में दो से गुणा करा दूँ, तो ये जो दो शर्ट हैं ये भी चार शर्ट बन जाएंगे। तो हम आगे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय टू। अब समीकरण एक में हम दो से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा दो दुनी चार शर्ट प्लस के दो तिया छः जीन्स बराबर के 2200 कितना होता है, 4400 होता है। ये हमारा हो गया। फिर नीचे क्या दिया गया, फोर शर्ट प्लस में टू जीन्स बराबर कितना है, 2400 है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। गुणांक बराबर है, चिन्ह बदल के घटा दो, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। तो हम क्या करेंगे, ये विपरीत चिन्ह है, ये तो सर खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। छः जीन्स से अगर दो जीन्स फट गई तो कितनी जीन्स बची, चार जीन्स बची। 2400 में से 2400 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2000 बच जाएगा, ये बच जाएगा 2000। तो एक जीन्स की कीमत कितनी आएगी, 4 × 5 = 20, एक जीन्स की कीमत आ गई 500। अब जीन्स की कीमत तो आपको पता चल गई, आपको शर्ट की कीमत भी पता करनी है, क्योंकि जीन्स और शर्ट की लागत मूल्य का अनुपात पता करना। तो शर्ट की कीमत हम कैसे पता करें, हम इसको समीकरण दो में रख दें चाहे एक में रख दें, हमें पता चल जाएगा। तो हम इसका मान किस में रखते हैं, अपने समीकरण दो में रखते हैं। समीकरण दो हमारे पास यही तो था भैया कि 4s प्लस में 2 × अब जीन्स कितना है, 5, तो हम 5 यहाँ पर क्या कर देंगे, भाई देखो जीन्स की कीमत कितनी है, जीन्स की कीमत कितनी है, 500 है ना, जीन्स की कीमत 500 और यहाँ पर कितना है, 2s/2j था ना, 2j, तो हमने रख दिया यहाँ पर 500 और बराबर कितना आ गया मेरा, 2400 आ गया, ये 2400 आ गया। भाई 5 × 2 = 10, 1000 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 4s बराबर के 1000 उधर जाएगा माइनस में, तो उधर तो डायरेक्ट आपका 1400 बचने वाला है। एस की वैल्यू निकाल लो, तो 4 से काटोगे कितना आ जाएगा भाई, 4 × 3 = 12, 4 × 3 कितना आ गया, 12, 2 बच गया, यहाँ पर कितना हो गया 20, 4 × 5 = 20 और ये आ गया 350। यानी जो शर्ट थी वो 350 की थी और जो जीन्स था वो 500 रुपये का था। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे भी कह रहा है कि जीन्स और शर्ट का लागत मूल्य का अनुपात बताना। पहले जीन्स का अनुपात बताना है, तो हम इस तरफ लिख रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा जीन्स अनुपाते शर्ट। भाई जीन्स की कीमत कितनी है, 500 है, ये 500 जीन्स की कीमत हो गई। शर्ट की कितनी है, 350, तो 350 इसका रेशियो बना लो। रेशियो बनाओगे तो किससे कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा आपका 0 से 0, तो पहले काट ही दो, तो 5 × 50 = 50, 5 × 7 = 35, 10 × 7 आपका करेक्ट आंसर है। 10 × 7 क्या है, आपका सही जवाब है, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चीज़ों को समझ लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के इसको आराम से विधिवत तरीके से नोटबुक में लिखना, ठीक है ना। हमने इस क्वेश्चन में किया क्या,
सबसे पहले हमने क्या बनाया, युगपत समीकरण बनाया, बना लिया सर पूरा। फिर हमने गुणांक बराबर किया और एक चर की वैल्यू निकाल ली। चर से आया जे, जे की वैल्यू मतलब जीन्स 500 रुपये की थी। जीन्स की कीमत को हमने दूसरे समीकरण में रखा, हमें शर्ट की कीमत पता चल गई। जीन्स और शर्ट का अनुपात पूछे था, तो जीन्स और शर्ट का अनुपात 500 350 10:4 10:7 आपका करेक्ट जवाब है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, नोट करो। फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से लो, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 4 पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। देखो ये सारे प्रश्न आपके ना एक एक लाइन में होने वाले प्रश्न हैं, फिर भी मैं आपको इसलिए टाइम लेकर बता रहा हूं कि आप ऐसे ही क्वेश्चनों को लगाओगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा तब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा इसको पढ़िए। ये कह रहा 49:68 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपाते 3:4 हो जाए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कितना है 49:68, तो अनुपात को हम बटे भी तो कह सकते हैं, यानी 49/68। प्रत्येक पद में क्या क्या जोड़ा क्या घटाया जाए, तो जोड़ रहे हैं, हमने कह दिया x जोड़ा जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाए 3:4 का, मतलब 3/4 के बराबर, 3/4 के बराबर। उड़ा दो भैया जल्दी से क्वेश्चन को। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, 9×36 के 3, 4×16 3 19, 196 प्लस में 4×16 4x प्लस में क्या हो गया भैया, 4x हो गया बराबर के। 8×3 24 के 4, हासिल कितना आ गया 2, 6×3 18 2 20 204 और प्लस में कितना हो गया 3x हो गया प्लस में 3x। ये प्लस से इधर ले आओ माइनस में, तो ये आपका हो गया 4x, ये माइनस में 3x इधर आ जाएगा, इधर आपका कितना था 204, 196 उधर ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर बच जाएगा x, उधर बच जाएगा 96 4 204 8, x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8। और आपका यही जवाब है, क्योंकि पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, आप x जोड़ रहे हो, तो x आपका सही आंसर 8 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 4 प्रकार के बनते हैं, मैंने बताया था, कभी कभी एक में जोड़ेगा एक में घटाएगा, कभी दोनों में घटाएगा कभी दोनों में जोड़ेगा, कभी कहेगा अंश में जोड़ा जा रहा है हर में घटाया जा रहा, या कभी कहेगा पूर्व पद में जोड़ा जा रहा उत्तर पद में घटाया जा रहा। कंसेप्ट यही रहेगा, चीज़ें हमारी ऐसे ही सॉल्व होंगी, डिपेंड करता आपके ऊपर कि आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, कितना आंसर आ गया 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 5 नंबर। इसमें बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया गया है और टोटल स्टूडेंट दिया गया। आपसे पूछे है कि उनका अलग अलग संख्या क्या होगी, उनकी अलग अलग संख्या क्या है। एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल का रेशियो है 7:5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 7:5। टोटल स्टूडेंट आपको दिया है, टोटल स्टूडेंट दिया कितना दिया है भाई, तो वो टोटल स्टूडेंट आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, 2400। टोटल स्टूडेंट आपको 2400 दिया है। आपसे पूछा है कि इनमें अलग अलग संख्या बताओ, ठीक है सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर टोटल स्टूडेंट 2400 हैं तो वो इन्हीं अनुपात में होंगे, मतलब 7, 5, 12, और 12 की वैल्यू कितनी है 2400, क्योंकि भैया अनुपात में भी टोटल और इन टोटल बराबर होगा, तो एक की वैल्यू निकालेंगे 12 × 2 = 24, एक की वैल्यू अगर 200 आ गई है तो बॉयज और गर्ल की संख्या बता दो, लड़के थे 700, तो 7 ना होकर इसका 2 गुना होंगे, यानी 1400 हो जाएंगे आपके लड़के, और 5 का 200 गुना करोगे तो 5 × 2 = 10, 1000 आपकी क्या हो जाएंगी, लड़कियां आ जाएंगी, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 2400 ही आएगा, यानी 1400 लड़के हैं स्कूल में और 1000 लड़कियाँ हैं स्कूल में, ठीक है ना। वैसे ये जो आपका आया है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ आया है, क्योंकि मैं बात कर लूँ इस टाइम भारत की जो हमारी जो पहले ना लिंगानुपात था वो 943/1000 था, अब मेरे दोस्त बढ़ गया, अब लड़कियां ऊपर निकल गई, लड़के नीचे रह गए हैं। लड़के 1000 हैं तो लड़कियां 1043 हो गई भाई साहब, तो शर्म करने वाली बात है हम लोगों के लिए, है ना। चलो फिर ये क्वेश्चन नोट हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5
4, 3, 2 और 1 सारे डिस्कस हो गए हैं। अब हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न पे, इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा, उसको भी समझेंगे हम लोग। देखो ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, ये कह रहा है कि तीन संख्याएं 12, 15, 25 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं 12 अनुपात 15 अनुपात 25 के अनुपात में है, 25 में है, ये अनुपात में है, ठीक है ना, मैंने अनुपात नहीं लिखा, समझ जाना, अनुपात में है। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि तीनों का योग, यदि उनका योग आपको दिया गया है, कितना दिया गया है जरा देखो, तो उनका योग दिया गया है 312 हो, तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है क्वेश्चन बी ए के अंतर और सी बी के अंतर के बीच का अनुपात। तो बी ए का अंतर और बी ए का अंतर है और क्या है मेरे दोस्त आपका, वो है सी बी के बीच का अंतर का अनुपात आपको बताना है। बस इतना क्वेश्चन है आपका, अंतर का अनुपात बताओ। इस क्वेश्चन को समझो और लगाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, हमें नहीं पता कोई संख्या होंगी, उनका अनुपात है 12 अनुपात 15 अनुपात 25, लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में गजब हमको दी गई है, क्या दी गई है, तीनों का सम। अगर तीनों का सम पता हो है ना, तो हम ये तीनों एक्चुअल जो नंबर रहे होंगे ना, उनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे, जो भी टोटल आएगा वो टोटल इसके बराबर आएगा। एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर 12 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहली संख्या, 15 में मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरी संख्या, 25 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो तीसरी संख्या, और फिर तीनों संख्या पता चलेगा तो बी ए यानी ए बी का डिफरेंस और सी बी का डिफरेंस, इनका आपका अनुपात बता देना है बस, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाएंगे भाई, कोई तीन संख्या है डजन मैटर, हमने कहा एक ए है एक बी है एक सी है, तीन संख्याएं हैं, उनका रेशियो है 12 15 25, ये हो गया 12 अनुपात, ये हो गया 15 अनुपात, ये हो गया 25, तीनों का टोटल दिया गया है, और यहाँ तीनों का टोटल कितना है, 5 5 10 2 12 के 2 कैरी 1 आ गया, 2 2 हो गया 2 1 3 3 1 4, और 4 1 कितना हो गया 5, ये 52 हो गया, 20 10 30 10 40 10 50 2 52, ये 52 किसके बराबर होगा, 312 के बराबर होगा। ये कितनी बार जाएगा, 5 6 31 2 6 12, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब अगर 1 की वैल्यू 6 है तो आपसे अंतर पूछे हैं, दो तरीकों से लगा सकते हो, डायरेक्ट रेशियो में अंतर ले लो या फिर डायरेक्ट आप संख्या ही निकाल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो पहली संख्या 12 ना होकर 12 का 6 गुना हो जाएगी कितनी 72, दूसरी संख्या 15 ना होकर 15 का 6 गुना 15 5 75 हो गया, 15 6 90 ये हो जाएगी 90, और तीसरी 25 ना होकर 6 हो जाएगी 25 का 6 गुना, और 25 6 का कितना होता है 150, इसका भी ये 6 गुना होगी 150 हो जाएगी। अब पूछे हैं बी ए का अंतर, भाई बी ए का अंतर कितना है 72 और 90 का अंतर कितना है 72 8 80 10 90, इनका अंतर है आपका 18, इनका अंतर और बी और सी का अंतर 15 और 25 यानी 150 और 90 का अंतर, ये कितना आ जाएगा 60, 18 और 60, इसको आप सॉल्ट कर लो तो ये हो जाएगा 3 6 18, या हम 6 से ही डायरेक्ट काट देते हैं 6 3 18, और हो जाएगा 6 10 60, 3 अनुपात 10 आपका सही जवाब है, यही आपका राइट आंसर है, 3:10 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। कुछ भी मेरे दोस्त यहाँ से अगर पूछे, तीनों संख्याएं पता चल गई ना, तो समझ लो पूरा लॉजिक ही खत्म है क्वेश्चन का, 3:10 आपका करेक्ट जवाब होगा। नोट करो, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं,
प्रश्न संख्या 7 पर। इसको जल्दी से नोट करो, फिर प्रश्न संख्या 7 पर पहुंचते हैं। हो गई बात क्लियर? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हो सकता आज आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन ना डिफिकल्ट लग रहे हो, कठिन लग रहे हो, लेकिन जब हम तीसरी बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, तीसरी बार, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि बार बार हम वही क्वेश्चन पढ़ते रहें। इसीलिए हमने आपको ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है कि आपकी तैयारी में 1% की कमी भी न रह जाए। अगर आपके नंबर अब कम आ रहे हैं ना, तो आपके अंदर कमी है, पढ़ाने वाले के अंदर कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या नंबर 7 है, जरा पढ़ो। तीन संख्याएं दिया गया है 5, 6, 7 की रेशियो में। तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 5:6:7 5:6:7 है। यदि उनके वर्गों का योग, वर्गों मतलब स्क्वायर, वर्गों का योग कितना दिया गया है? तो उनके वर्गों का योग 990 है, 990 हो। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन पूछा गया वे संख्याएं, तो संख्याएं बताओ, तीनों संख्याएं आपको बताना है, संख्याएं बताना है, बस नॉर्मल सा प्रश्न है। आप जल्दी से बताओ क्या आएगा उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा आपको बताना है। देखो एक बात समझ लेना, दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा रेशियो में, जो आप हो सकता है कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ। एक तो होता है आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लाई। और एक होता है आपका स्क्वायर, इसका मतलब क्या? तो वर्ग। ये जब दो चीज़ें क्वेश्चन में देगा ना, ये जब दो चीज़ें क्वेश्चन में देगा, तो आप हमेशा समझ जाना यार, हमें वहाँ पर चर लगाना ही पड़ेगा। बिना चर राशि लगाए हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 हो जाती है। भाई इसका रीज़न समझ पा रहे हो? जैसे मैं कह दूँ कि 2x × 3x, इसका मतलब क्या होगा? 3×6x² होगा, इसका बात समझ रहे हो ना? लेकिन अगर मैं इसमें एक्स ना लगाऊं, मैं डायरेक्ट 2×3 कह दूं, 2×3 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप अगर ऐसे कर दोगे ना, तो आपकी एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, और जब एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो आप एग्जैक्ट नंबर क्या थे वो भी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आप कहोगे सर क्या प्लस में ऐसा होता? प्लस में वही रूल फॉलो होता, चाहे तो आप 2x लिखो, चाहे 5x = 7x, यहाँ से भी 7 को ट्रांसफ़र कर दोगे एक की वैल्यू, और डायरेक्ट आप 2+5 = 7, तो यहाँ से भी 7 बराबर उतना ही होगा। आपको एक की वैल्यू निकालना, एक की वैल्यू यहाँ से भी आएगी, एक की वैल्यू यहाँ से भी आएगी। तो कहने का इतना मतलब, जब कभी गुणा या वर्ग कहेगा, तो आपको उसमें चर राशि जरूर लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया, स्क्वायर वाला क्वेश्चन ये है, तो इसका उत्तर बताओ क्या होगा। बहुत से साथी लगा भी चुके होंगे, आइए देखते हैं इस प्रश्न का क्या आएगा उत्तर। तीन संख्याएं हैं 5, 6, 7 की रेशियो में, ठीक है सर। पहली संख्या हमारी 5x हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 6x हो जाएगी, फिर तीसरी संख्या हमारी 7x हो जाएगी। इनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब मैंने बताया क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो 5 का वर्ग क्या होगा? 5×5=25, और x का वर्ग x² होगा प्लस के, क्योंकि योग दिया गया ना। 6 का वर्ग कितना होगा? 36, और x² 7 का वर्ग 49, x² इसको ऐड करो, ये सब किसके बराबर होगा? 990 के बराबर होगा। ऐड करिए कितना आएगा? 9×6=15, 5×20 के 0 हासिल आ गया 2, 4×3=7, 2×9, और 9×2 कितना हो गया? 11, ये हो गया 11, और ये हो गया x², ये बराबर किसके हो जाएगा? 990 के बराबर हो जाएगा, 990 के बराबर। x की वैल्यू तभी निकलेगी, 0 से 0 ख़त्म, 11×9=99, यानी x² = 9। तो हम x = 3 कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, x = 3 हो गया। अब आपसे पूछे वे संख्याएं बता दो भैया फटाफट तरीके से। 5x थी, x का मान रखोगे तो 5×3 कितना हो जाएगा? 15, पहली संख्या 15, फिर इसमें 3 रखोगे, 6×3=18, दूसरी संख्या 18, फिर इसमें आप 3 रखोगे तो 7×3=21, आपका सही जवाब है। 15×18=21 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15×18=21 आपका सही जवाब है, नोट कर सकते हो, ठीक है ना? ये आपका सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट, इसको नोट करो। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। क्लियर हो गई बात ना? चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 8 क्या है जरा उसको समझते हैं। और ये प्रश्न आप लगाओगे जरूर, क्योंकि अभी मैंने जस्ट इससे पहले ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल कराया था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है बस। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है 720 श्रमिकों में, श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, या हम ऐसे कह लें मजदूर, 720 मजदूरों में पुरुष और महिला का अनुपात 7:5 है। पुरुष और महिला का अनुपात वो कितना है, वो है मेरे दोस्त 7:5, 7:5 है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 1:1 बनाने के लिए, 1:1 बनाने के लिए, 1:1 बनाने के लिए कितनी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, कितनी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर बताओ, किया जाना चाहिए, लगाओ इस प्रश्न को। 720 मजदूरों में पुरुष और महिला का अनुपात है 7:5, 1:1 बनाना है, कितनी महिलाओं को ऐड करेंगे, आओ भाई समझते हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ लेबर हमारे पास कितने हैं, 720, यानी मजदूर कितने हैं 720 हैं, जिसमें कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। तो अगर मैं कह दूं यार मेल और फीमेल का अनुपात हमें दिया कितना, तो 7:5, जो लड़के हैं वो ज़्यादा मजदूर हैं और जो लड़कियां हैं वो कम मजदूर हैं, 7:5 हो गया। टोटल हमारे पास है 720, तो यहाँ से टोटल कितना आएगा, यहाँ से टोटल आ जाएगा 7:5, 12 की वैल्यू 720, 1 की वैल्यू 12×72 60 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जी, 7×42 420 हो जाएगी। और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू 6×5 30, ये 300 हो जाएगा, 304 720। अब अनुपात 1:1 बनाना है, देखो क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे 1:1, मेल बटे फीमेल, यानी मेल फीमेल का रेशियो। अब रेशियो से काम हो चुका है, अब आपको संख्या लेना है 420 और 300, ये मेल है तो मेल के आगे क्या लिखेंगे, मेल के आगे लिखेंगे 420, जितने लड़के हैं वो सारे 420 हैं, ठीक है ना। अब फीमेल की बात करते हैं, फीमेल हमारी है 300, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है। किनको ऐड करना, किनको शामिल करना है, तो महिलाओं को शामिल करना है, महिलाओं को शामिल कर दिया, 100 हो गया। अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 1:1 हो जाना चाहिए, तो 1/1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 420 हो गया बराबर के 300 हो गया, प्लस में 100 हो गया, डायरेक्ट बताओ x की वैल्यू 120 आएगी, x की वैल्यू 120 आएगी, आपका सही जवाब है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज किए होते कि 1:1 का मतलब क्या हो गया, आधी महिलाएं आधे पुरुष, महिलाओं की संख्या निकाल लिए थे ना 300 और पुरुष की 420, कितना ऐड कर दो कि 420 हो जाए, 120 तो डायरेक्ट उत्तर बताते 120, लेकिन फिर भी आपको मैंने सॉल्व कर दिया, क्या आएगा उत्तर, 120 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई, इसको नोट करो। फिर आके पहुंचते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, अपने समझ गए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए अब हम मिक्सचर का एक क्वेश्चन करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आपके सिलेबस से बाहर है, बट फिर भी आपको समझना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ रहे हो
तो आप ना भविष्य में भी जब कभी इस चैप्टर को पढ़ो तो आपके दिमाग में चीज़ें वो फिर से टर्न होनी चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लगाया है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तो ज़रा इसको समझिए। ये कह रहा है कि दूध तथा पानी के एक एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 21:2, 1:1, 4:1 है, ठीक है ना। दूध और पानी के तीन मिश्रण हैं, ठीक है ना। बात को समझना, दूध और पानी के तीन मिश्रणों में, भाई मिक्सचर कितने हैं, तीन हैं। तीन मिश्रणों में मिल्क रेशियो वाटर क्रमशः आपको दिया गया है, क्रमशः कितना कितना है, 2:1, 1:2, 4:1, 2:1 कितना है, 2:1, 1:2 तथा 4:1 है, तथा 4:1 है। उनको समान मात्रा में मिलाया जाता है। समान का मतलब क्या होता है, जो जो इसकी क्वांटिटी है ना वो सेम है, समान मात्रा में मिलाया जा रहा है। समान मात्रा में मिलाने पर मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा, मिल्क रेशियो वाटर क्या होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को ना एंड करेंगे। ये क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके ना DLED में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप UPTET या CTET या SuperTET का पेपर देने जाओगे तो निश्चित तौर पे आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, एक लाइन में उत्तर आता है। ये आपका मिक्सचर एलिगेशन में भी लगता है, और ये आपका मिक्सचर एक अलग से चैप्टर आता है उसका भी क्वेश्चन हो जाता है। रेशियो में भी ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। देखो हम कैसे लगाएंगे, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। भाई तीन आपके मिश्रण हैं, तो मिश्रण किसी बर्तन में रखे होंगे। ये हमारा पहला बर्तन, ये हमारा दूसरा बर्तन, और ये हमारा तीसरा बर्तन। तीन बर्तन हो गए। इसमें आपको मिल्क रेशियो वाटर दिया है, इसमें आपको मिल्क रेशियो वाटर है, तीनों में आपका मिल्क और वाटर है, तीनों में मिल्क और वाटर। पहले में कितना है, 2:1, तो पहले में आपका है 2:1, दूसरे में है आपका 1:2, 1:2, तीसरे में आपका 4:1, तो 4:1। अब एक बहुत ही मस्त बात क्वेश्चन में कही है, क्या कि उनको समान मात्रा में मिलाया जाता है। इस चीज़ पर ज़रा फोकस करना। समान मात्रा का मतलब समझते हो क्या होता है, कि अगर इसमें से आप 5 लीटर मिला रहे हो तो इसमें से भी आप 5 लीटर मिलाओगे, इसमें से भी 5 लीटर मिलाओगे, और तब जाके आपका टोटल एक मिक्सचर बनेगा। उस मिक्सचर में आपको मिल्क रेशियो वाटर बताना है, दूध और पानी का अनुपात बताना है। ज़रा समझो चीज़ों को। मैं कह दूं यार यहाँ टोटल मिक्सचर कितना है, यहाँ टोटल कितना है, 2:1, 3, यहाँ पर टोटल 3 है। मैं कह दूं यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर भी 3 है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पर गया तो यहाँ पर आ गया 5। अब ये क्या बात हो गई सर, यहाँ पर 3 लीटर है, यहाँ पर भी 3 लीटर, अभी तक तो समान था, अभी तक समान था, लेकिन जैसे तीसरे बर्तन में छलांग मारा ना हमने, तो वो 5 लीटर बन गया। अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ से जब निकालेंगे तो हमारा मिल्क और वाटर साथ में बाहर निकलेगा ना। अब ये तो है नहीं कि हमारे हाथ में कोई जादू है, हम दूध डालेंगे निकाल लेंगे जितना होगा और मिल्क वाटर उतना का उतना रहेगा, ऐसा तो कोई मशीन है नहीं हमारे पास ना। हम निकालेंगे तो दूध पानी साथ में निकलेगा, डाल सकते हैं अलग अलग, लेकिन जब हम निकालेंगे मिक्सचर से तो दूध पानी बिल्कुल साथ में निकलेगा। इस बात को तो सभी को पता होगा, है ना। तो देखो जरा, इन सबको हमें इक्वल करना है, 3, 3, 5 को हमें इक्वल करना। कैसे इक्वल कर सकते हैं, तो इसको इक्वल करने के लिए हम 3, 3 और 5 का क्या लेंगे सर, हम 5 का LCM लेंगे। 3, 3, 5 का LCM कितना होता है, 15। बस काम खत्म, बस अब क्वेश्चन लग गया। अब इसमें हमको 15 बनाना है, 3 है हमारे पास, किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो इस 3 में किससे गुणा करेंगे, हम 5 से गुणा करेंगे, तभी ना 15 होगा। और इस 3 में भी हम 5 से गुणा करेंगे, तभी 15 होगा। इस 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन खत्म, इसको आप साफ कर दो। आपको गुणा किससे कराना है, इससे तो कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ गुणा 5 से कराओगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहाँ पर 10:5 हो गया,
फिर यहाँ गुणा कराओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये हो गया 12 और ये हो गया 3। अब एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि 15 यहाँ पर भी, 15 यहाँ पर भी, 15 यहाँ पर भी, और क्वेश्चन में कह भी रहा था कि समान मात्रा में मिलाना है, तो सारे तो समान मात्रा में हो गए, ये टोटल मिल्क है भाई, देखो सारे स्थानों पर ये मिल्क है ना, और ये आपका वाटर है, तो बस ऐड कर लो, 10 5 15 15 3 18, ये 18 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 12 और 5 17 10 27, ये 27 आ जाएगा, और ये कट भी रहा है, काट लो, 9 3 27, 9 18, 3:2 आपका सही जवाब होगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हो, 3:2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है भाई, डीएलएड में कहीं ऐसा क्वेश्चन अभी तक जीवन काल में देखने को नहीं मिला है, है ना, लेकिन फिर भी हम अभ्यास सेशन कर रहे हैं ना, तो हमारा सारा टाइप आना चाहिए हमको। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर समझ में आई हैं तो आपको कर देना है लाइक, शेयर कर देना है मित्रों के साथ, है ना, और आपको सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे कल के क्लास में, कोई अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लग रहा हो कि आपको वो भी बताना है इस चैप्टर में, तो कमेंट बॉक्स ऑन रहता है, आप पूछ सकते हो। बाकी सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।